देवोत्थान एकादशी 8 नवंबर को है और इसी दिन ठाकुर जी व तुलसी जी का विवाह होता है। परंपरा के अनुसार मंगल कार्य इसी दिन से शुरू होते हैं और घरों में विवाहित आदि मंगलिक कार्य सभी शुरू हो जाते हैं। इस दिन को खास उत्सव महोत्सव के रूप में मनाया जाता है और तुलसी जी का विवाह ठाकुर जी से कराकर धर्म प्रेमी लोग अभिभूत होते हैं। उदयपुर के जगदीश मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में ये आयोजन बड़ा ही धूमधाम से होगा। जगदीश मंदिर में यह आयोजन 8 नवंबर को होगा और इस हेतु भगवान जगन्नाथ स्वामी के मंदिर में विभिन्न तैयारियां भी जारी हैं। क्या कहना है पुजारी जी राम गोपाल जी का? क्या आयोजन होगा बताओ? आज का दिन अक्षय नवमी है, आंवला नवमी बोलते हैं। भगवान ने आंवले की माला पहन रखी है, श्रृंगार बहुत ही बड़ा हुआ है, नई पोशाक पहनी है और इसमें भगवान ने नैवेद्य में गुलाब जामुन इस तरह से 5 तरह की मिठाई पूरी सब्जी इस तरह से भोग दिया। और कल डबल नवमी है और शुक्रवार को एकादशी थे उसकी एकादशी होगी और शाम को तुलसी विवाह का भव्य दर्शन कराए जाएंगे। भगवान जगन्नाथ स्वामी तुलसी विवाह करेंगे, मंदिर में डेकोरेशन होगा, मंडप होगा, इस तरह से तुलसी विवाह का रखा गया है। अधिक से अधिक संख्या में पधारे और दर्शन का लाभ लें। एकादशी 8 तारीख शुक्रवार को मनाई जाएगी, वो नम होने की वजह से एकादशी 8 तारीख को है। सभी जन दर्शन का लाभ लें और तुलसी जी का हथवेला छोड़ाने जरूर जरूर पधारे। मैं राम गोपाल पुजारी वंशंतु के सेवा वंशंत के पुजारी बोल जगन्नाथ स्वामी की जय।